के लोग ये आरोप लगा रहे थे कि आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। ये इधर कौन सी बस्ती है प्रधान जी? बिंद बस्ती। अच्छा, बिंद बस्ती के लिए आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। ये रास्ता, ये कैसी जमीन है प्रधान जी? जीएस है। जीएस है। हाँ, तो यहाँ से रास्ता जा सकता है। इसके बाद हमारी, फिर ये रास्ता आगे जा करके मुड़ गया है। हाँ, ये पटरी के बगल से जा रहा है। क्या आगे रास्ता नहीं है इसमें? नहीं, रास्ता नहीं। तो किसकी जमीन है आगे? आगे आगे तो रेलवे है इसके। अच्छा, इधर से रेलवे की जमीन है। ये सामने अगर ये रास्ता सीधा निकलना चाहे तो किसकी जमीन है? ये तो हमारी जमीन। तो आपकी जमीन है? हाँ, हमारी जमीन है। हम तो देने के लिए तैयार, ग्रामवासियों के लिए देने के लिए तैयार हैं। हाँ, भाई ताली बजा दीजिए एक बार। इन्होंने कह दिया कि आपके लिए रास्ता दे रहे हैं। प्रधान जी रास्ता देने के लिए तैयार हैं। सांसद जी से क्या कहना चाहेंगे? हम सांसद जी से कहना है कि प्रधान जी तैयार है तो आए, यहाँ की परेशानी देखे, उसको करवाए ना भाई। वो जमीन देने को अपनी तैयार है। हाँ, जब प्रधान जी को पैसा देंगे तभी प्रधान जी बनवाएंगे ना, अपने घर से पैसा लगवा के थोड़ी बनवाएंगे। क्या कहना चाहते हैं भाई? वो आए यहाँ पे, यही कहना चाहते हैं। प्रधान जी हमारे जमीन देने के लिए तैयार हैं। संसद जी आए, देखे और उसकी खर्चा दे, उसको बनवाए। एक बार ये रास्ता दिखाएं जरा, किस तरह इस रास्ते से 300 घर के लोग जाते हैं। 300-400 घर है इसके आगे। 300-400 घर है। 300-400 घर। हाँ, 300-400 घर। अरे यहाँ शादी लोग जाते हैं, पूरा पट्टी भी जाओ। 300-400 घर का रास्ता है। आप आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। देखा, बोलिए ना, गर्भवती महिला नहीं जा सकती है। हमने बोले ना, यहाँ इधर आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। इस रास्ते से पूरी पट्टी बजाओ, इधर आ जाइए। किस किस गांव, मतलब आप क्या किस पद पे हैं? यहाँ किसी पद पे हैं? मैं बसंती देवी आंगनबाड़ी सहायिका पट्टी बजाओ से। आप इन समस्याओं को देखती हैं? देखती हैं, हम रोज गुजर रहे हैं। देखेंगे नहीं, हम रोज गुजर रहे हैं। मतलब गर्भवती महिलाओं को ले जाने में काफी दिक्कत हो रही है। बहुत दिक्कत है, बहुत गाड़ी जाती ही नहीं इधर। फटके पर रोक के लोग खटिया से, कोई दिक्कत हो जाता है, किसी के सरफ काट लेते, कोई बीमार हो जाता है, किसी के बच्चे बीमार हो जाते हैं, सब चारपाई से ले आके यहाँ करते हैं, तब लेके जाते हैं। प्रशासनिक अधिकारी भी नहीं आते समस्या को? कोई नहीं आते भाई, नहीं आए तो हम लोग नहीं जानते हैं। अब अधिकारी को पता है कि नहीं पता है ये तो नहीं पता है, लेकिन हमारे यहाँ तो कोई नहीं आते हैं। हमारे गांव ने ये भी कह दिया कि ये रास्ता आपका सीधा निकल जाएगा, रेलवे की जमीन में आपको जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, वहाँ से वो अपनी जमीन में रास्ता देने को तैयार है। हाँ, देने के तैयार, अच्छी बात है। अब संसद जी चाहे पैसा दें, पास कराएं, जाएगा। जब पैसा पैसा मिलेगा तभी कुछ होगा। हाँ, क्या कह रहे हैं प्रधान जी? जब पैसा मिलेगा तभी कुछ विकास होगा। नहीं, इस पे तो सांसद जी चाहे तो रोड निकल। हाँ, जब वो चाहे सांसद जी, लेकिन वो नहीं चाहेंगे। आज तक 5 साल बीत गया, यहाँ ना कोई उनका शकल देखा, ना कुछ देखा है। देखे नहीं उनको। अरे क्या, जगह देने के लिए प्रधान जी तैयार हैं। क्या कह रहे हैं? बनवाने के लिए कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे, और प्रधान जी जगह देने के लिए तैयार हैं। आपके सामने प्रधान जी बोल रहे हैं जगह मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कोई बनवाने वाला यहाँ नहीं दिख रहा है यहाँ का गार्जियन। अरे एक महीने के पहले अभी एक लड़का यहाँ गिर जाता, इन्हीं का भतीजा। कम से कम 50 लोग लगे थे उनके उठाने में। देखिए किस तरह से लोहा लक्कड़ है, अगर गिर जाता तो क्या हाल होता? अगर रास्ता होता तो ऐसा होता? कोई सुनने को तैयार नहीं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भदोही सांसद रमेश चंद बिंद, जिन्होंने इस गांव को गोद लिया है, उसकी तस्वीर। सोचे जरा, जहाँ जिस पार्टी से, इससे भी खराब है, इससे भी आगे खराब है, निधि है उसी पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी पार्टी से चुने गए हैं, वो अपने गोद लिए हुए गांव को स्मार्ट सिटी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और उनके सांसद इस तरह से, यानी गांव में आते भी नहीं है, समस्या का समाधान नहीं होता, और लोग इस तरह से परेशान है। आइए, क्या कह रहे थे अभी आप? क्या कह रहे थे वो बोल पे ही बोले? क्या कह रहे थे अभी आपकी? यहाँ पानी लग जाता है। हाँ सर, देखिए आगे आगे देखिए आप चल के, बारिश में। हाँ, बारिश में इतना पानी यहाँ लगता है, कितना यहाँ तक? हाँ, मतलब आने जाने। हाँ, ये पूरा गड्ढा तो दिख रहा है। हाँ, अब 300 घर के लोग यहाँ से आते जाते हैं। आप रुके रहिए यहाँ पे, देखिए कितनी बाइक और कितनी गाड़ी जाती है दिन भर में इस रास्ते। सैकड़ों बाइक जाती हैं इस रास्ते से सुबह शाम तक। अगर सोचे, ये दिए तले अंधेरा वाली बात है। हाँ। जिस गांव का विकास सबसे पहले होना चाहिए था जनपद में, वो गांव इस तरह से विकास की दौड़ में पीछे है। आइए जरा और दिखाते हैं आगे गांव। आइए देखिए सर, देखिए आगे गड्ढा है। क्या कह रहे हैं? क्या कहेंगे सर, देखिए यही रास्ता है, अब इसमें कौन जाएगा? बारिश का मौसम नहीं है अभी। बारिश का मौसम है, आप नहीं देख रहे हैं, ये बारिश का मौसम है कि क्या है? बारिश का मौसम आएगा तो कब? आप बताइए, सांसद जी बताएं ना, सांसद जी बताएं कि बारिश का मौसम आएगा तो फिर तो हम लोग कैसे जाएंगे? सांसद जी बताएं ना, गोद लिए हैं हमारे गांव को, यही गोद लिए हैं। गिरते हैं 500 आदमी इसमें, गिरते हैं जो नहीं जानते हैं, नीचे चले आते हैं, गिर जाते हैं इसमें, गिरते हैं। हाँ, गिरते हैं। जो बारिश अभी 10 दिन हुआ उसी का पानी है, न किसी नल का है, न किसी गड्ढे का पानी, किसी इनारे का पानी नहीं, ये बारिश का पानी रुका है। का? लगीना
इस गांव को सांसद जी द्वारा गोद लिया गया है। हाँ। तो कभी आए यहाँ रास्ते की हालत या जो समस्याएं हैं लोगों की जानने के लिए? क्या कहना चाहेंगे उनसे ये रास्ता? अरे का कहीं की मनाई आवत है आजकल, आजकल पानी बुढ़ा है बरसात में भैया की आई नहीं पहुंचे, बीमार हो जाए तो सुरियामा बाईपास पकड़ के जाए, तब अच्छा बीमार हुई मना तो कौन कहीं लेके जाएंगी। अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यही कह रही थी कि अगर कोई बीमार हो जाए तो ले नहीं जा सकता, वो जा डट मर जाए आधे रास्ते ही, वो आधे रास्ते मर जाए उसका साधन ना मिले। सांसद जी इसका कहना चाहेंगे? अरे सांसद जी से हम का कही, वो ना देखे थे ना रास्ता ना ही बाहर, जब लोग बता रहे थे जब आई बन कर ही देखिए का तो बुलाएंगे उनको, हम सब चंदा उतार करके बनवाए जो सबावत जाते हैं गाँव को, मना खाली चंदा उतार के बना ले खड़ा भान तभी बना बा। वो भी रेलवे की जमीन है? हाँ वो भी रेलवे की जमीन है। नहीं प्रधान वो चाहिए तो वह न जाए देंगे, प्रधान जी ने कहा वो वाला रास्ता हम सीधा निकलवाने का अपनी जमीन दे देंगे। हाँ। उन्होंने कहा हम जमीन देने को तैयार, प्रधान तो कहते हैं लेकिन जब बन जाए तब नहीं, तो सब प्रधान कहते हैं ना वो देने के लिए तैयार है लेकिन रास्ता सही है, तो और बात सही है लेकिन जब बन जाए तब न। देखिए प्रधान दल भी है बल भी है, हाँ चाहेंगे उनको मिले जब ओपा ही तब तो बनवाई का रास्ते की स्थिति, जैसा कि गांव वालों का आरोप है ये रास्ते पे इतना कीचड़ है कि आपको एकदम पटरी के सहारे सहारे यानी पटरी से और सट करके ऊपर ऊपर जाना होगा, यहाँ से कोई फोर व्हीलर नहीं जा सकता, सही तरह से यहाँ से बाइक नहीं जा सकती, अब इस कीचड़ से होकर के जाएंगे तो गिरेंगे जरूर, तो ये सड़क आखिर कब बनेगी? देखिए अभी एक माता जी वहां भी बोल रही है, एक मिनट, क्या नाम है आपका? अभिराज जी। घर यही है आपका? हाँ। क्या क्या किस तरह से लोग यहाँ बहुत मनाई यहाँ गिरे थे सर जी ने की अब का कर जाये यहाँ रास्ता हमन के ना ही जा है, इतना हमन परेशान है कही जा रहे हैं। सांसद जी ने गांव को गोद लिया है। हाँ? हमन के रास्ता चाहे सर जी जाना की रास्ता चाहिए। हाँ कैसे हमन की बिटिया पतोह आवत है वहाँ फटके के उतरत है पैदल आवत है। जैसे जैसे हम बीच गाँव की तरफ बढ़ रहे हैं ये हाथ में माइक और कैमरे वाले को देखकर गांव के लोग इकट्ठे होते चले जा रहे हैं और सबकी एक ही समस्या है कि रास्ता नहीं है साहब, कैसे आया जाया जाए। सभी ये कह रहे हैं कि सांसद जी गांव में दिखे नहीं कभी, और जब दिखते तो उनसे अपनी समस्या कही जाती। सांसद जी जरा ध्यान दीजिए, ये खबर अगर आप तक पहुंच रही है और मुझे मालूम है ये खबर आप तक जरूर पहुंचेगी, तो कम से कम इस गांव में आए, लोगों की समस्या सुने। हमारा उद्देश्य किसी भी तौर पर आपको डिमोरलाइज करना नहीं है, आपके खिलाफ खबर चलाना नहीं है, सिर्फ जनता की समस्या को दिखाना हमारा काम है ताकि जनता की समस्या का समाधान हो सके। आइए, क्या नाम है आपका? शांति देवी। शांति पट्टी भेजाऊंगा आपकी? हाँ पट्टी। हाँ क्या कहना चाहेंगे, क्या समस्या आपकी? समस्या यह बता भैया कि चार लड़की है, कैसे ब्याह करें कैसे शादी करें, पत्र हम गुजारा करा था ये में ही तनाथ मान समझी दमा दिया है तो वही घर में। अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत चौपाल लगाई गई थी, हमारा था कॉलोनी आवा की कटवाई दी है, हमारा कॉलोनी मिला नहीं। अच्छा आवास आया था? आया आई आई हमारे नाम से आई, लेकिन कहा बोले कि शांति बहुत है लेकिन पति तो वही हुई ही नहीं, शांति भले बावन थे वही ही नाम। अच्छा ये कह करके कटवा देगा कि शांति बहुत सारी है। हाँ। और पति का नाम आप ही के था? हाँ। बताइए गजब का मजाक किया सिस्टम है भाई, इसकी जांच करवाएं, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय इसकी जांच करवाएं। जाना तो कि कैसे गुजारा करते समथी आवे तो जुगारे बैठे दमाद आवे भाई जाड़ा में आवत है तो घर में कहां का। डीएम साहब से सांसद महोदय से अगर ये खबर देखते क्या कहना चाहेंगे? अब ये कहना चाहने है कि भाई कि हमके चाहे आए हम और तो कुछ चाहे हम कैसे बनाए कैसे का एक ही कमाइया भाई दो छोटे लड़कियां हैं पात्र भी हैं यही कहा तो यही पत्र है ये पत्र धरे है से जाना था सब जाना गांव देश सब जाना कि कैसे है इन्हें सब जानते हैं सब जाना था गांव देश में सब जाना लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा क्यों नहीं भाई। जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं वो देखें और यहां पर आए हैं। अब तो से यह बोला था कि ये भैया जवान है हमारे बार में दो जने चार जने बोले थे कि उन्हें थी कॉलोनी दे लेकिन क्यों दे नहीं के अधिकारी यहाँ आए और इस चीज को देखें और आपकी समस्या का समाधान हो। उर्मिला। पति का नाम क्या है? रामूरत। तो क्या समस्या है बताइए? एक साहब हमारी पछवारे घर रहा हमारे से एक मौका रहा ना गांव समाज रहा लाल बहादुर पट्टा का दे ये लाल बहादुर कौन है? पुराना प्रधान हमें सब है ना जिए खाए न दे रोज मार झगड़ा कर वही ही गोजी डंडा रोज उठत रहे थे इसलिए तो आपने प्रधान बदल दिया। हाँ तब लेकिन समस्या हाँ, अब समस्या जब पट्टा कह दे हैं तब समस्या बटवे की है
प्रशासन से क्या कहेंगे, गलत पट्टा हुआ है क्या? हाँ गलत बा, हमारे सब के मुहारे पर खेत दुगारी। प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे, आगे आ जाइए, प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? कहा कि चाहे कि हमारे सभी नाम हो चाहे, पट्टा हटे वहाँ से। हाँ। इनके क्या कह रहे हैं, क्या नाम है? पट्टा हटे चाहे हमारे सभी नाम आवे। क्या नाम है आपका? हमारे मुकेश बुला। पट्टा हटना चाहिए? हाँ, गलत पट्टा हो गया। हाँ, गलत हो गया है। तो आप लोगों ने उस समय आप लोगों ने विरोध किया होगा ना? हाँ, हमारा आदमी, हमारे घर में कोई आदमी नहीं है, जो वो पट्टा हुआ है तो हमारे घर आदमी नहीं है। नहीं है ना प्रधान जी? और क्या समस्याएं हैं इस गांव में जो आप माननीय सांसद जी तक रखना चाहेंगे? समस्या तो बहुत है। जो ये पट्टा हुआ है, 2000 में लाल बहादुर प्रधान हुए थे, तो जितना जिसके जो मौकेस है उसको न देकर दूसरों को पट्टा कर दिए। तो 2000 में हम इसको जांच कराए अधिकारी, आज तक वो पट्टा मुंशी की चल रहा है, एडीएम की है। एडीएम के यहाँ चल रहा है, एडीएम की हम चल रहा है उसको खारिज, इतना अच्छा रिपोर्ट लगा है, सब कुछ लगा है, तो खारिज नहीं किया गया, लेकिन अभी तो खारिज नहीं हुआ है। घर द्वार एकदम सबका एकदम, कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी नींद से जागने की जरूरत है। हाँ बस, क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ, ये जो पीछे है जमीन, इनको देना चाहिए ना, है दूसरों के क्यों दे दिए? लाल बहादुर जिसके मौके जिसके मौके से है उसको देना चाहिए ना। हम भी पट्टा किए हैं 95 में, 300 आदमी को पट्टा, लेकिन किसी कोई झगड़ा नहीं है। जिसके जो मौके से है उसको मिला है, लेकिन ये ऐसा आदमी है कि चारों कहती एकदम, ये तो लोग भी शिकायत कर रहे हैं। हाँ बस यही है, वो पट्टा जो चल रहा है वो खारिज हो, इसके बाद हम इन लोग को जिसके जो मौके से है हम उसको पट्टा करें, लेकिन पहले खारिज हो, पहले जो गांव है पट्टी भेजाऊं। हमें ये सूचना मिली कि ये गांव सांसद रमेश चंद बिंद द्वारा गोद लिया गया है और इस गांव को कोई देखने नहीं आया। गांव में समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं, समस्याएं और बढ़ती चली गई, उनका समाधान नहीं हो पाया। प्रधान स्तर से जिन समस्याओं का समाधान होना था वो हो गया, अधिकारी भी यहां बताया गया कि बहुत कम आते हैं। अब विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत अधिकारी आए, एक जगह बैठे और चले गए, वो जल्दी जल्दी में उनको निकलना रहता है यहां से। तो कहीं ना कहीं इन गांव वालों के बीच में आना होगा और जो शासन की योजनाएं हैं तभी इन तक पहुंच पाएंगी। जब इनके बीच में अधिकारी आएंगे, नेतागण आएंगे, केवल एक जगह बैठ करके खाना पूर्ति नहीं हो सकती। तो मैं यही चाहूंगा कि अधिकारी और नेतागण यहां आए, लोगों की समस्याओं को जाने और उनका समाधान करें। हड़प्पा और मोहन जोदड़ो के जमाने का ये अस्पताल आप देख सकते हैं, यही कहा जाएगा इस बारे में, जिस तरह से इसकी हालत है वो देख करके यही कहा जा सकता है कि ये पुराने काल का, मुगल कालीन या कह सकते हैं हड़प्पा मोहन जोदड़ो के जमाने का ये हॉस्पिटल होगा, जिसका कायाकल्प तक अधिकारी और नेतागण नहीं करवा पा रहे हैं। ये इस तरह का विकास हुआ है गाँव में। विकसित भारत संकल्प यात्रा का मेन उद्देश्य ये था कि जो योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचे, लेकिन ये शासन का निर्देश था। अब निचले स्तर के लोगों द्वारा जो खाना पूर्ति की गई है उसकी वानगी इस बिल्डिंग को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब सोचिए जरा, जिस गांव में स्वास्थ्य केंद्र का ये हाल है उस गांव के लोगों का स्वास्थ्य आखिर कैसा होगा, और इसी तरह के स्वास्थ्य की उम्मीद की जा सकती है जिला प्रशासन द्वारा और यहां के नेताओं द्वारा। यही फोकस जनता पर किया जा रहा है। केवल कार्यक्रम करके खाना पूर्ति कर देने से जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती, आपको गांव में आना होगा, इन चीजों को देखना होगा और इनका समाधान कैसे होगा ये समाधान भी ढूंढना होगा। छनौरा से पट्टी बेजा होते हुए अभी यहां जाने वाली ये वही रोड है जिसमें गड्ढे हैं, ढेर सारे गड्ढे हैं, सैकड़ों लोग रोज इससे यात्रा करते हैं और कभी गिरते हैं, कभी चोट लगती है, बारिश में हालत खराब हो जाती है। सांसद द्वारा पट्टी बेजाओ गांव को गोद लिया गया है अभी, जिसके बारे में ग्रामवासी बात कर रहे थे, लेकिन इस सड़क का अभी तक समाधान नहीं हो पाया। अब देखना यह होगा कि चुनाव नजदीक आ गए हैं, क्या इस सड़क का निर्माण पूरा हो जाता है, लोगों को इस समस्या से निजात मिल पाती है या नहीं। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।
आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।